हम तो यहाँ 50 साल से दुकान कर रहे हैं, 1972 से। हम ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं भैया, बहुत टेस्टी है। आप देखेंगे खुद से बुला रहे हैं कि भैया आइए, हम बताएंगे कैसा लग रहा है। नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, इसीलिए गरीब लोग हैं, बेचते हैं, हम लोग खाने के लिए आते हैं, बहुत दूर से आए हैं खाने के लिए। अच्छा अच्छा, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। हाँ, और क्या क्या चीज़ यहाँ का आपको अच्छा लगता है? लमसम सारा चीज़ अच्छा ही लगता है, खाना बनाते हैं। रेगुलर ग्राहक हैं आप लोग? हाँ, आते हैं शाम को नाश्ता करने के लिए, अच्छा लगता है। आपको हम दिखा देते हैं कि क्या क्या आइटम यहाँ पे मिलता है। ये है बंगला निमकी, इसको बोलते हैं, जो कि बड़े बड़े से समोसा के सेम तरीके से चपटा कर दिया जाता है और इसमें कुछ भी अंदर से फील नहीं रहता है। और यहाँ पे अपना ब्रेड पकौड़ा हो गया जो कि रेडी किया जा रहा है अभी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समोसा मिल जाएगा आपको गर्मा गर्म, एकदम तेल में छना हुआ एकदम सामने से। वहाँ पे आपको ब्रेड पकौड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे कचौड़ी दिख रहा है, और ये देखिए ब्रेड पकौड़ा रेडी किया हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी हम लोग का रेडी हो रहा है यहाँ पे, देखिए प्याज पकौड़ा जिसको प्याजी भी बोलते हैं, ये रेडी हो रहा है। अरे वाह, क्या बात है। यहाँ के जनता लोग, यहाँ के ग्राहक लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और बहुत लोग देख रहे थे, हम वेट कर रहे थे खाने का। और अभी तो शुरुआत है भीड़ लगने का, अभी बहुत सारे लोग आएंगे खाने। और यहाँ पे जब आप आएंगे खाने के लिए तो यहाँ पे समोसा और पकौड़ी तो आपको मिल ही जाएगा, और बगल में आपको मिल जाएगा चाय, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चाय ये भी पिलाते हैं। तो भाई अभी हम लोग पटना आए हुए हैं, और पटना में यहाँ नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चाचा जी का वीडियो देखे थे रॉबिन भैया के चैनल पर। तो भाई हम सोच ही लिए थे कि यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये शुरू हो जाता है यहाँ पर खाना। अब समझ रहे हैं, 5 रुपये में आपको प्याजी मिल जाएगा, और क्या क्या बहुत सारा चीज़ मिलता है। चाचा जी बताएं, पकौड़ा है, गोभी पकौड़ा है, और बैगन पकौड़ा मिल जाएगा आपको, समोसा मिल जाएगा, ब्रेड चप मिल जाएगा, बहुत सारा आइटम मिलता है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे आज, आज चाचा जी बात करेंगे और चाचा जी से हम लोग भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या मिलता है। फिर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा यहाँ का खाने का टेस्ट, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, आइए। सुबह कितने बजे से लगा निकालना शुरू कर देते हैं? 8 बजे। सुबह 8 बजे लगा देते हैं? 8 से 9 बजे रात तक। अच्छा, तो भाई अभी हम जिस जगह पे आए हुए हैं वहाँ पे एक चाचा हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एज इनका हो रहा होगा, इनका आई थिंक 80 प्लस होंगे, और यहाँ देखिए लगातार लगे हुए हैं। अरे चाचा, सुबह सुबह लगा देते हैं यहाँ पे? सुबह में 8 बजे लगाते हैं? 8 बजे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी क्या इसका प्याज का पकौड़ी बन रहा है? प्याज हो रहा है, प्याज कहिए चाहे प्याज पकौड़ा चाहिए। अच्छा अच्छा, प्याज ही कहें चाहे प्याज पकौड़ा। कितना रुपये इसका रेट है? 5 रुपये। बस 5 रुपये में रखते हैं? 4 है। अच्छा अच्छा, इसमें प्याज पकौड़ा बन रहा है जिसको प्याज ही बोलते हैं, इसमें क्या क्या मिक्स रहता है चाचा? प्याज है, आदी है, लहसुन है, मिर्चा है, बेसन है, जमाइन बेसन है। अच्छा अच्छा, गोभी पकौड़ा भी है। यहाँ पे देखिए लोग लाइन से यहाँ पे खड़े रहते हैं खाने के लिए। आ रहे भैया, आ रहे हैं, क्या क्या रखते हैं आप? समोसा रखते हैं, ब्रेड रखते हैं जी, लिट्टी रखते हैं, बैगन चाप रखते हैं, आलू चाप रखते हैं। अच्छा, गोभी चाप रखते हैं, सारा प्याजू रखते हैं, मैंने 8-10 आइटम रखते हैं आप लोग? बंगला निमकी रखते हैं। वाह वाह, क्या बात है। रखते हैं। अच्छा, समोसा 10 रुपये है, ब्रेड 10 रुपये है, बंगला निमकी 10 रुपये है, पकौड़ा सब 5 रुपये। पकौड़ा सब 5 रुपये। और ये कचौड़ी जो खिला रहे हैं वो? कचौड़ी 15 का दो है। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, अभी अपना जो है प्याजी छना रहा है, इसके बाद आपको हम बहुत सारी चीज़ दिखाएंगे क्या क्या छनता है यहाँ पे। यहाँ पे प्याजी गर्मा गर्म, देखिए भीड़ देखिए आप, कितना सारा भीड़ लगा हुआ है। चना के बेसन है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे चना का बेसन जो है उसको अभी रेडी किया जा रहा है गोभी चप और आलू चप के लिए। बैगनी आलू चप, गोभी चप, उसे बने चना के भी ले लीजिए, छोला के, चटनी के। अच्छा अच्छा, कितना साल से यहाँ पे लगा रहे हैं आप लोग? हम तो यहाँ 50 साल से दुकान कर रहे हैं, 1972 से, ताकि बीच में छोड़ दिए थे, अभी नाश्ता का दुकान 5 साल से लग रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब 1972 से आप यहाँ पे लगातार लगा रहे हैं ना? पहले भात रोटी का दुकान था खाना के। अच्छा, अभी नाश्ता का दुकान 5 साल से कर रहे हैं। तो भात रोटी का दुकान काहे बंद कर दिया? उसमें बहुत झमेला है, परेशानी है। अच्छा, देखिए कितने लोग यहाँ पे आकर के लगातार लाइन से जो है वो लेते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिमांड में चाचा जी अभी चल रहे हैं, जैसा कि बता रहे हैं कि बहुत सारे ब्लॉगर्स आए। सबसे पहले जो फूडी रॉबिन, जो कि रॉबिन भैया हैं, वो आकर के सबसे पहले इनका वीडियो बनाए थे। तो रॉबिन भैया का चैनल देख के आए हैं लोग यहाँ पे खाने के लिए? आते हैं लोग देखने के लिए? बहुत। अच्छा, बहुत बहुत लोग आते हैं। अरे वाह, आप देखे थे वीडियो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, करीब 12-13 मिनट का वीडियो है, अच्छा लग रहा है। हाँ, चलिए, सारा आदमी खुश हुए हैं। हाँ, तो भाई आपको बस दिखाने के लिए हमें आए हुए थे कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, और हम खाएंगे भी, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दिखाएंगे,
हमको प्याज ही बहुत पसंद है, प्याज पकौड़ा जो होता है ये घर में हम लोग बहुत खाते हैं, हमारे पिताजी बहुत खाते हैं, हमारे पिताजी बहुत खाते हैं और मम्मी भी बहुत खाती है। चलिए फिर खा करके आपको हम टेस्ट बताते हैं। बिल्कुल कुरकुरा है, नमक जो है वो एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मसाला होता है हल्का मसाले के साथ बनाया जाता है, गोलकी का आपको मिल जाएगा पीस पीस करके, वो भी मिलेगा। तो भाई खाना यहाँ का मेरे को अच्छा लगा, मेरे को पकौड़ी यहाँ का अच्छा लगा, और समोसा वगैरह भी रहता है, ब्रेड चॉप रहता है, आपको जो मन से वही खाइए, चार से तुम खा के बता नहीं सकते हैं, बहुत सारा आइटम है। और टेस्ट की बात अगर करें हम लोग तो सिर्फ पकौड़ी का टेस्ट जब इतना अच्छा है तो आपको हम ग्राहक लोग से पूछ के बता दिए बाकी सबका खाना आपको कैसा लगता है, बाकी सब जो यहाँ पे आइटम्स है वो कैसा लगता है, रेगुलर ग्राहक यहाँ पे बने हुए हैं। तो चलिए फिर वीडियो खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच।